एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण उद्योग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि उद्योग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उसके क्या क्या इम्पैक्ट है, और कहाँ हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, कहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला है विनिर्माण उद्योग। सबसे पहले अगर हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट आती है। पहला ये है कि हम लोग जो है वो एक चीज देखेंगे कि जब हम कच्चे पदार्थ जो होते हैं उसको अगर मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित कर देते हैं और अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। अब एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दिया आपको कि प्राथमिक क्षेत्र जो होते हैं वहां से आप केवल और केवल कच्चे माल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस कच्चे माल को जब आप उसके उत्पादन करते हैं, उसके उत्पादन उत्पाद में परिवर्तन कर देते हैं, जैसे कि अगर आप कपास को ले लेते हैं और कपास से चेंज करके आप कपड़ा बना देते हैं, आपने क्या किया, उसके उत्पादन में परिवर्तन कर दिया आपने और उसको अधिक मात्रा में जो है वो चेंज कर दिया, उसके प्राइस को भी अधिक कर दिया और उसके उत्पादन को भी। अब कपास से अगर कपड़ा बनना स्टार्ट होगा तो लोग कपास की कृषि को ज्यादा करना स्टार्ट करेंगे, तो कपास की खेती जब ज्यादा होगी तो आपने उसके उत्पादन को भी बढ़ा दिया। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं विनिर्माण या फिर वस्तु निर्माण। यहाँ तक की बातें क्लियर है। और अगर हम देखें तो ये आपके द्वितीय कार्य होते हैं, और द्वितीय कार्य में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। मतलब कि अगर आप देखिएगा तो विनिर्माण उद्योग जो होता है वो द्वितीय क्षेत्र का काम करता है। अब देखें तो किसी देश का, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आज अगर विनिर्माण उद्योग बिल्कुल माइनस में चला जाएगा, इसके डेवलपमेंट का जो लेवल होगा वो भी धीरे धीरे गिरता चला जाएगा। इस कारण से उस देश की जो उन्नति होगी, किसी भी देश की, जरूरत नहीं है कि यह भारत ही हो, अगर अमेरिका से आज एप्पल जैसे बड़े बड़े कंपनियों का जो है वो विनिर्माण खत्म हो जाए होगा क्या, उस देश का जो उन्नति है वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल से अवनति की तरफ चला जाएगा। तो इसीलिए किसी भी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है कि उस देश में कितने विनिर्माण उद्योग है, जितने औद्योगिक क्षेत्र उसके बड़े होंगे उतने ही अच्छे उस देश की उन्नति होगी। और अगर हम लोग देखें विनिर्माण उद्योग के महत्व की बात अगर हम लोग करेंगे तो विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषता आर्थिक विकास की रीढ़ समझी जाती है। किसी भी देश में अगर आप देखिएगा तो विकास को आप किस पैमाने पे मापिएगा, विकास को आप इस तरीके से मापिएगा कि उस देश का जो है वो कैपिटल इनकम कितना है, जीडीपी कितना है, या फिर उस देश में कितनी जो है वो विनिर्माण उद्योग है। इसीलिए विनिर्माण उद्योग को जो है वो विकास की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। जैसे कि लौह उद्योग को उद्योग की जननी बोला जाता है, उस तरह के तरीके से ही विनिर्माण उद्योग को जो है वो उद्योग की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, स्पाइनल जिसको हम लोग बोल सकते हैं। विनिर्माण उद्योग केवल कृषि और आधुनिकीकरण में ही सहायक नहीं होता है, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के रोजगार और रोजगार उपलब्ध कराता है और कृषि पर हमारी निर्भरता को भी कम करता है। अब अगर एक पर्टिकुलर बिहार की आप बात कीजिएगा, बिहार की अगर आप बात कर रहे हैं तो बिहार में देखते हैं यहाँ पे भी निर्माण उद्योग की बहुत ज्यादा कमी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि भी निर्माण उद्योग की कमी होगी तो जो लोग यहाँ के होंगे ये ना तो द्वितीय क्षेत्र में जाएंगे क्योंकि यहीं पे डिपेंडेंट होंगे, और ना ही वो तृतीय क्षेत्र मतलब अगर सेवा के क्षेत्र में आएंगे। अगर मान लें कि ग्लैक्सो एक कंपनी है जो दवा बनाती है, या फिर एबॉट जो कंपनी है वो दवा बनाती है, तो ये अगर द्वितीय क्षेत्र के लिए है तो इसमें जो वर्क करने वाले लोग हैं ये तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं। ना तो यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र का उत्थान होगा और ना ही तृतीय क्षेत्र का। इसलिए जो है वो विनिर्माण उद्योग प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र तीनों के लिए इक्वल रूप से इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम लोग देखें तो देश के औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन में भी यह आवश्यक शर्त होता है कि एक देश में जो है वो बहुत अच्छा विनिर्माण उद्योग हो, तभी हम लोग उस देश के गरीबी और बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं। अगर भारत की बात करें, यहाँ पर एमएसएमई के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पे एमएसएमई के ऊपर ध्यान इसलिए दिया जाता है कि जो बिल्कुल जो छोटे
और यहाँ पे मार्जिनल रूप से जो हमारे उद्योग है अगर उसको हम लोग बढ़ाएंगे तो ग्रामीण स्तर पर जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाएगा और गरीबी को खत्म करने में ये अपनी अहम भूमिका निभाएगी। बाकी अगर हम लोग और आ जाए तो विनिर्माण वस्तु का निर्यात जो होता है वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अब विनिर्माण उद्योग में अगर मान लिया कि एबॉट एक कंपनी होगी जो अमेरिका से आती है, अमेरिका की कंपनी है, ये इंडिया में अपनी दवा बेचती है, हुआ क्या विदेशी मुद्रा को ये बढ़ा रही है। एबॉट जो वहां पे सस्ते दामों में दवा बनाती है वो यहाँ पे महंगे रूप में बिकती है। सेम चीज अगर इंडिया के लिए ले ले, अगर इंडिया के लिए हम ये ले ले कि इंडिया की एक कंपनी है जो सिप्ला है, मान लिए सिप्ला एक दवा की कंपनी है, वो इंडिया से दवा बनाती है, वो अगर अमेरिका में भेजेगी तो यहाँ पे इसके जो प्राइस होंगे वो सस्ते होंगे और अमेरिका से जो ये लेकर के आएगा प्राइस वो महंगा होगा। तो विदेशी मुद्रा प्राप्ति इससे हो जाती है। वे देश ही विकसित है जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल के रूप में विनिर्मित करते हैं। अब अगर हम लोग अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका की अगर हम बात कर रहे हैं तो अमेरिका क्या करता है, रिपेयर प्रोडक्ट को हमारे यहाँ भेजता है, उसमें एप्पल भी है। अगर एप्पल के रिपेयर प्रोडक्ट को आपके यहाँ भेज करके मतलब ई कचरा को कम करता है, वो क्या कर रहा है अपने आप से, वो क्या करता है कि उस माल को अधिक जो है कि मूल्यवान बनाकर हमारे पास भेज रहा है। सेम अगर इंडिया के लिए बात करें तो हमारे यहाँ ईख होती है, अब हम इस ईख को क्या करते हैं कि चीनी का रूप दे देते हैं। ये ईख बिल्कुल मार्केट में एकदम सस्ता बिकता है लेकिन इस चीनी की अगर बात करें तो ये महंगा बिकता है, और यही चीनी अगर अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है ये वहां से हमें विदेशी मुद्रा के साथ साथ क्या करेगा कि अधिक पैसे भी देगा। सेम चीज इक्वली एप्लीकेबल होता है उस जगह के लिए जहाँ पे अगर मानते हैं हम कि कोई ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट का, जैसे कि मान लिए कि एक प्रोडक्ट, जैसे कि हमारे यहाँ अगर आप इस तरीके से मान लें कि मोमबत्ती अगर आती है, ठीक है, मोमबत्ती की बात करते हैं, और मोमबत्ती हमारे यहाँ बिल्कुल मोम का जो कारोबार होता है वो हमारे यहाँ बहुत आसान होता है। मोम के कारोबार को अगर आप यहाँ पे देखते हैं ये मोम का कारोबार हमारे यहाँ बिल्कुल सस्ता होता है और इसका जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो ये हमें बहुत बहुत ज्यादा लाभ देता है। सेम चीज हमारे यहाँ होता है चीनी के लिए, सॉरी सेम चीज होता है हमारे यहाँ चाय पत्ती के लिए। चाय पत्ती में जो चाय पत्ती का जो पेड़ होता है, जो बगान होते हैं चाय पत्ती में, उसके जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल यूजलेस है अगर उसके चाय को हम अच्छे बना करके नहीं बेचेंगे तो। इन सारे चीजों को जो है वो आपको बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए। दूसरा अगर हम लोग देखें कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते हैं। किसी न किसी रूप में कृषि जो है वो आपके उद्योग में एंडल्स होता है, आप चाहे जिस वे में देखें, चाहे आप वो वस्त्र उद्योग में देख ले, निर्माण उद्योग के किसी भी जगह पे आप जाइएगा, चाहे वो दवा की फैक्ट्री हो या कहीं भी, आपको कहीं ना कहीं से जो है वो कृषि का उसमें आपको एक तरीके से बाउंडेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम लोग आएंगे यहाँ पे तो विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। विनिर्माण उद्योग जैसे ही डेवलप करेगा वैसे कृषि के ऊपर लोड आएगा, कहीं से भी नहीं आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। अगर कपास की डिमांड ज्यादा होगी तो हम कपास की खेती बहुत ज्यादा करेंगे, ये दूसरी बात है कि हमें खाद्य पदार्थों के ऊपर विपरीत प्रभाव डालेगा। लेकिन अगर हमारे यहाँ विनिर्माण उद्योग में जिस चीज का डिमांड होगा अगर हम उसकी उत्पादन करेंगे तो कृषि पर विपरीत भी प्रभाव पड़ेगा और सकारात्मक भी प्रभाव देगा ये। अभी देखते हैं हम लोग आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धा तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफी नहीं है, हमारी वस्तु गुणवत्ता में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की होगी तभी हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। अगर हम एक एप्पल के अगर हम एक एप्पल के रूप में अगर एक हम एबीसीडी करके एबीसीडी करके कोई कंपनी बनाते हैं और ये कंपनी अगर बिल्कुल एप्पल की तरह वर्क करेगी तो हम जो है वो आसानी से इससे प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। लेकिन इस एप्पल को अगर हम किसी ऐसे कंपनी से, इसको अगर हम डेल से कंपेयर करेंगे तो ये कभी कंपेयर नहीं हो सकते। तो आज जो कंपटीशन है जिस तरीके के मार्केट में उसमें जो है वो हमको उस तरीके से अपने वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ाना पड़ेगा। सेम चीज हम एक देख लेते हैं, एक जींस आता है स्पार्की का,
और एक जींस आता है किलर का। तो अगर हम इस दोनों को इक्वल करें तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो हमको स्पार्की को किलर की तरह करना पड़ेगा, तभी हम इस प्रतिस्पर्धा में टिक पाएंगे। यहाँ की बातें क्लियर हो गई। तो अगर हम लोग और देखें तो पिछले 2 दशक में सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी जो होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% ही था, कि 10% भाग खनिज खनन गैस और विद्युत ऊर्जा का योगदान रहता है। तो 27% जो विनिर्माण उद्योग है उसमें से 17% ही इसका जो है वो योगदान रहता है उद्योग का, और बाकी के जो 10% होते हैं इसमें खनिज खनन गैस और विद्युत अपना योगदान रहता है। तो ये तो सारी बातें इंपॉर्टेंट है जो डेटाज आप मेंस में पुट कर सकते हैं, बट प्री के लिए जो इंपॉर्टेंट है अभी केवल उसी पे आपको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से हम उसी चीजों को ऑल फाइंड आउट करते चलेंगे। बाकी 6 to 12 तक के जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे कवर करेंगे हम लोग। उसके लिए फिर से आपके क्लासेस रेगुलर वे में चल रहे हैं, लेकिन पहले हम लोग को एनसीईआरटी की सारी बुक खत्म कर लेनी है। बाकी अगर हम लोग उद्योग स्थापना और औद्योगिक अवस्थिति की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम, पूंजी, शक्ति, साधन, बाजार इत्यादि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। अगर मान लिया कि बिहार का एक भाग है, बिहार का एक गंगा का एरिया है, यहाँ की जमीनें उपजाऊ है, यहाँ पे कपास उत्पादित किया जा सकता है, लेकिन इस जगह पे हम मशीन नहीं लगा सकते क्योंकि ये एरिया बिल्कुल बाढ़ से जो है वो प्रभावित होगा, इसकी कोई फायदा नहीं होने वाली है। इस कारण से जो है वो कच्चे माल की उपलब्धता, अब मान लिया कि कपास यहाँ हर एक साल दह जाएंगे तो इस जो मशीनरी है इसका क्या होने वाला है। तो इसलिए जो है कच्चे माल की उपलब्धता की आवश्यकता होनी चाहिए, की आवश्यकता है जिस जगह पे हमें निर्माण करना है, विनिर्माण उद्योग करना है। श्रमिक की आवश्यकता होगी, पूंजी भी बिल्कुल चाहिए, और शक्ति संसाधन और बाजार की आवश्यकता होगी। ये सारे चीज करने के बाद अगर हमको प्रॉपर बाजार नहीं मिलेगा तो हम इस चीज को बेच नहीं सकते हैं। और अगर बाजार हमको बिहार से जो है, इस बिहार से अगर हमको महाराष्ट्र, अगर हमको महाराष्ट्र में जाकर के बेचना पड़ेगा तो इसका एक्सपोर्टिंग जो कॉस्ट होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो फिर हम कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है बाजार की उपलब्धता भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी अगर हम लोग आए विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए, वही स्थान उपयुक्त होता है जहाँ ये कारक उपलब्ध हो और जहाँ इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सके। तो इस कारण से जो है ये सारी चीजें अगर उपलब्ध होगी तो विनिर्माण उद्योग बहुत आसानी से लग जाएगा। बाकी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसको आप मेंस के लिए जोड़ लीजिएगा। ये मेंस वाले फैक्टर में आता है कि नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधा से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत बोला जाता है, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज बोला जाता है इसको। ये बिल्कुल बेसिक की बातें हैं, कभी इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाएगा, बट ये एग्जाम में कभी नहीं पूछने वाले हैं क्वेश्चंस। बाकी अगर देखें हम लोग तो एक उद्योग की आदर्श अवस्थिति जो होती है, वहां पर उस स्थान पर कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, बाकी उत्पादन के वितरण के लिए लागत, आपके पास पूंजी होनी चाहिए। उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का पहले तो आप निर्णय करेंगे, तभी इन सारे चीजों को आप स्थापित कर पाएंगे, और उस स्थान पर उत्पादन की लागत जो है वो बिल्कुल कम होनी चाहिए, तभी आप इस चीज को स्टेबल कर पाएंगे। और देखिए अगर किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है, और सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करती है। अगर सरकार आपसे टैक्स के रूप में 30% आपके प्रॉफिट का ले लेगी, 70% में आप क्या कर सकते हो। तो इस कारण से सरकार की जो नीति होती है वो भी एक जगह पे जो है वो उद्योग की स्थापना को जो है वो बढ़ावा और कम करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। सेम चीज होता है दवा के लिए। दवा के लिए आप नॉर्थ एरिया में जाकर के आप दवा लगाते हैं तो यहाँ पे आपको टैक्सेस बहुत कम देने पड़ते हैं। इस कारण से जो दवा की कंपनी होती है वो ज्यादातर आपके नॉर्थ वाले एरिया में दिखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही नॉर्थ वाले एरिया के साथ साथ ईस्ट वाले एरिया में भी आपको देखने को मिलेंगी ये दवा की फैक्ट्री। यहाँ पे आपको कुछ कम टैक्सेस देने पड़ते हैं, इस कारण से पूर्वी जो भाग है यहाँ पे, पूर्वी भाग में भी आपको दवा की फैक्ट्री देखने को मिलेगी। और अगर हम लोग आए कृषि के जो कार्ड होते हैं जिसको वर्गीकृत किया गया हुआ है, उसमें अगर प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर देखिएगा कृषि को, तो ये कृषि
जो है वो अगर उद्योग की बात करें तो ये कृषि आधारित उद्योग होते हैं जिसमें सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन वगैरह आते हैं। इसके बाद खनिज आधारित उद्योग में लोहा, इस्पात, एल्युमिनियम वगैरह के जो है वो उद्योग आते हैं। बाकी प्रमुख भूमिका के आधार पर देखिएगा तो आधारभूत उद्योग होते हैं जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं, जैसे लोहा, इस्पात, तांबा, पर्गलन। इन सारे चीजों का उत्पादन जो होता है वो दूसरे चीजों को उत्पादित करने के लिए किया जाता है। उपभोक्ता उद्योग की बात करें जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे प्रयोग हेतु होते हैं, जैसे चीनी, तमंजन, कागज, पंखे इत्यादि, ये सारे उपभोक्ता उद्योग होते हैं। पूंजी वाला फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ से हर एक बार, जैसे अभी निर्मला सीतारमण ने डायरेक्ट चेंज कर दिया कि मैं किस उद्योग से कितने टैक्सेस लूंगा, और उद्योग को स्थापित करने के लिए जो उद्योग मतलब मिनिमम 1 करोड़ टू 3 लाख टू 4 लाख के बीच में होगा उसे टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे। इस तरीके के जो चीजें होती है वो पूंजी निवेश आधार वाले होते हैं, और इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे नहीं, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो करंट अफेयर्स होंगे। तो करंट अफेयर्स वाले पोर्शन के लिए इस पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। स्वामित्व के आधार पर अगर आइएगा तो सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसी द्वारा प्रबंधित सरकार द्वारा संचालित उद्योग में बहुत सारे उद्योग आते हैं, जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसको वेल बोला जाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल होता है, ये सारे सार्वजनिक क्षेत्र के हैं जिसमें सरकार की अहम भूमिका होती है। निजी क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व तो होता है जिसमें टिस्को, बजाज, ऑटोमोबाइल, डाबर वगैरह आ जाते हैं। संयुक्त की बात करें तो सरकार भी इसमें होती है और निजी क्षेत्र भी होती है इसमें, ये आ जाते हैं आपके संयुक्त वाले में। इसमें ऑयल इंडिया आ जाता है आपका, जिसमें राज्य सरकार और निजी क्षेत्र का संयुक्त प्रयोग हो प्रयास के द्वारा इस चीज को चलाए जाते हैं, वो आपके संयुक्त क्षेत्र में आ जाएंगे, जिसमें ऑयल इंडियन लिमिटेड जो है इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है आपके सामने में। और अगर सहकारी उद्योग की बात करें तो इसका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादक, श्रमिक तथा दोनों के हाथों में होता है। मतलब कि स्वामित्व जो होता है वो कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों और श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है, वो सहकारी उद्योग होते हैं। और संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक रूप से होता है, ये सहकारी उद्योग में आते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के चीनी उद्योग और केरल के नारियल आधारित उद्योग, ये सारे सहकारी उद्योग होते हैं। माल के आधार पर देखें तो भारी उद्योग में जैसे लोहा और इस्पात उद्योग को रखा गया हुआ है, और हल्के उद्योग में जो है वो विद्युतीय उद्योग को रखा जाता है यहाँ पे। ये सारे बहुत बेसिक बातें हैं। अगर हम लोग देखें तो वस्त्र उद्योग के ऊपर अगर हम लोग आएंगे तो सकल घरेलू उत्पाद में इसकी जो भागीदारी है वो 4% है। अगर पूरे भारत का सकल घरेलू उत्पादन 100% है तो इसमें से 4% जो है वो केवल और केवल वस्त्र उद्योग क्या है। देश के का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पादन की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है, क्योंकि यहाँ से जो कच्चे माल होते हैं वो बिल्कुल भारत से ही लिए जाते हैं, और भारत में बना करके ज्यादातर भारत में ही बेचे जाते हैं, और इसके साथ साथ एक्सपोर्टिंग जो होता है इसका दूसरे जगहों पर वो भारत के वस्तुओं का ही होता है। तो इसमें जो है इसकी श्रृंखला परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है, यहाँ पे इसको बोल सकते हैं आप। सूती वस्त्र उद्योग के ऊपर अगर आइएगा तो प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे, और 18वीं शताब्दी के बाद विद्युत हथकरघों का उपयोग करके इसको और ज्यादा कंपटीशन इसके अंदर आया और बहुत अच्छे सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। बाकी आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित था, लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि किसी भी जगह पे स्थापित किया गया हुआ है, और इसके लिए जो बाजार, परिवहन, पतन की समीपता, श्रम, नमीयुक्त जलवायु इत्यादि कारक इसके स्थानीय कारक को बढ़ावा दिया, और आज ये अलग अलग जगहों पर भी स्थापित किए जा चुके हैं। बाकी और चीजों को अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो इसमें जो आता है वो है भारत जापान को सूती वस्त्र का निर्यात करता है, मतलब ये एक्सपोर्टिंग का बात हो गया, ये एक्सपोर्ट करता है यहाँ पे जापान को सूती वस्त्र, और भारत में बने सूती वस्त्र को अन्य आयातक, मतलब भारत के जो सूती वस्त्र होते हैं उसको अगर और देश जो खरीदते हैं जिनके नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीका, ये सारे जो है हमारे यहाँ से सूती वस्त्र को खरीदते हैं। यहाँ की बातें क्लियर हो गई। अब जरा सा हम लोग और आते हैं इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, वो है पटसन उद्योग। तो भारत पटसन व पटसन निर्माण
सम्मान का सबसे बड़ा जो है, सामान का सबसे बड़ा उत्पादक तथा बांग्लादेश के पश्चात, मतलब बांग्लादेश पटसन उत्पादन में सबसे अग्रणी है और इसके बाद भारत दूसरे स्थान पर है, दूसरा जो है वो निर्यातक भी है। दूसरी अगर बात करें तो पटसन उद्योग कता के निकट इसका जो नाम है वो रिसरा है, जिसमें 1855 में लाया गया हुआ था और 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन की जो मिलें थी वो भारत में रह गई, लेकिन इसका 1/4 जूट उत्पादक जो क्षेत्र था वो पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश में चला गया। इस कारण से हमारे यहाँ उद्योग तो है, इसके उत्पादक मतलब 1/4 जूट उत्पादन जो है, जो मिले थी वो तो हमारे यहाँ रह गई, लेकिन जो एरिया था जहाँ पे जूट का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था, मतलब यहाँ पे इसके बोले तो कृषि होती थी, वो कृषि वाला जो एरिया था वो बांग्लादेश में चला गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में, मतलब कि बाद में वो बांग्लादेश जो बना, पश्चिमी पाकिस्तान सॉरी पूर्वी पाकिस्तान। ये चीजें क्लियर हो गई। अगर हम लोग आए तो पटसन जो है वो हुगली नदी तट पर इसके स्थित होने के कारण बहुत सारे रीजन थे, क्योंकि हुगली नदी के पास जो है वो सस्ता जल परिवहन था, सड़क रेल जल मार्ग इत्यादि जो जो भी चीजें होती है जो एक उद्योग के लिए इम्पोर्टेंट हो, उस कारण से जो है वो हुगली नदी के तट पर इसकी स्थिति इसको जो है वो स्थापित किया गया हुआ था। इसके साथ ही अगर पटसन की बात करें तो पटसन जो है वो समीपवर्ती राज्य उड़ीसा बिहार व उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, कोलकाता का एक बड़े नगरीय क्षेत्र के रूप में बैंकिंग बीमा जूट के सामान निर्यात के लिए पतन की सुविधा उपलब्ध कराना इत्यादि सम्मिलित है। तो जूट के उत्पादन में अगर हम लोग देखेंगे तो हुगली नदी के पास होने का इसका बहुत बड़ा रीजन ये था कि यहाँ पे जो परिवहन थे वो तो सस्ते थे, सड़क की उपलब्धता थी यहाँ पर, रेल वायु मार्ग जल परिवहन सारे चीज थे, और साथ में होता क्या है कि जो सस्ते मजदूर की आवश्यकता होती थी वो समीपवर्ती राज्य में जैसे कि उड़ीसा आ जाता है, आपका बिहार आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है, इन जगहों से सस्ते मजदूर अवेलेबल हो जाते थे। तो और उस वक्त जो जो हुगली था, मतलब कि अगर देखे बंगाल वाला जो एरिया था वहां पे बैंकिंग की सुविधा थी, बीमा वगैरह की सुविधा जो थी वो इस को जो है और ज्यादा बढ़ावा देने में इसको मदद की थी। बाकी अगर देखे तो इस उद्योग की चुनौती में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों और बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे बड़े देशों की प्रतिस्पर्धा शामिल है, क्योंकि ये जूट उत्पादन में अग्रणी होते जा रहे हैं और वहां की जो वस्तुएं हैं उससे हमारे यहाँ की जो वस्तुएं हैं वो जो है वो उसके कंपेयर में थोड़ा सा कम पड़ जाती है, जिसके कारण हम उससे कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं। वैसे पटसन के प्रमुख खरीदार हमारे यहाँ से जो है वो अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया है, जो हमारे यहाँ से जो मतलब जूट है उसको खरीदते हैं। चीनी उद्योग की अगर बात करें, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा सबसे स्थान है, लेकिन गुड़ व खाट साड़ी जो होता है, जो जो अगर आप बोले तो ईख से बनाया जाता है, इसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। और 2010 से 2011 में 662 से अधिक चीनी मिलें थी जो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह राज्यों में स्थापित थी। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपके यहाँ कोई जो है वो चीनी मिल है या नहीं है, और अगर है तो उसका नाम क्या है, अगर बंद हुआ तो क्यों बंद हुआ और उसके पीछे क्या रीजंस थे। इसके बाद अगर हम लोग आएंगे तो पिछले कुछ वर्षों में मिलों की संख्या दक्षिण व पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पे ईंख के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि होना स्टार्ट हुआ है और यहाँ के जो सुक्रोज होते हैं ना, जो चीनी में जो ईंख में पाए जाते हैं, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे ईंख सूखता जाता है वैसे वैसे उसके सुक्रोज की मात्रा कम होते जाती है, तो फिर चीनी उत्पादन में जो है वो ये अच्छा नहीं हो पाता है, और जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा होगी वहां पे सुक्रोज की मात्रा कम होते जाएगी और फिर चीनी का उत्पादन बहुत अच्छा नहीं होगा। खनिज आधारित उद्योग की अगर बात करें तो वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहे जाते हैं। इसके साथ अगर हम लोहा तथा इस्पात उद्योग की बात करें तो लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग होता है, क्योंकि सभी हल्के भारी और हल्के मध्यम उद्योग इससे बड़े मशीनरी पर ही निर्भर करती है, तो इसीलिए लोहा उद्योग को जो है वो बेसिक उद्योग बोला जाता है, मतलब कि ये आधारभूत उद्योग होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग आएंगे तो इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश के विकास के पैमाना के रूप में मापा जाता है, क्योंकि जितना उस देश का खपत जितना उस देश में लौह का खपत होगा उतना ही वो देश जो है वो डेवलपिंग होगा अर्थव्यवस्था के हिसाब से। और अगर हम लोग देखें तो इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकीन, कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात 4:2 और 1 में होता है,
और इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज के कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है। मतलब कि आपके एक क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री के आपको मिलते हैं, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आपको मिलता है कि लोहा को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो मैग्नीज मिलाया जाता है। क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेटाज है उसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज और देखने को मिल जाएंगे जो आपके आते हैं। यहाँ पे मिनी इस्पात उद्योग जो होते हैं वो छोटे संयंत्र होते हैं जिसमें विद्युत भट्टी, रद्दी इस्पात, स्पंज और इन सारे चीजों का प्रयोग किया जाता है। इसको मिनी इस्पात उद्योग के रूप में देखा जाता है। और सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचती है। मतलब जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं वो अपने उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचती है। मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने यहाँ से जो है वो इस्पात को एक्सपोर्ट करने का काम करती है। अगर इसके वितरण को देखें तो भारत के छोटा नागपुर पठारी में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित होते हैं। मतलब यहाँ पे आपको इस्पात और लोहा उद्योग देखने को मिल जाएंगी। लौह अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल के निकटता, सस्ते श्रम और स्थानीय बाजार से इसके मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित होती है। मतलब जिस जगह पर लौह अयस्क कम लागत में अवेलेबल होंगे, उच्च कोटि के कच्चे माल होंगे और सस्ते श्रम होंगे तथा बाजार अगर अवेलेबल होगी तो उस जगह पर लौह अयस्क के जो आपके है उद्योग वो स्थापित हो जाएंगे। क्लियर बातें हैं यहाँ तक, बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है इस पे। और अगर हम लोग आएंगे इसके एल्युमिनियम प्रगलन के रूप में, तो भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन है क्योंकि यह हल्का रंग, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला और अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जाता है। और इसे जो है वो क्या होता है, तो इसका उपयोग जो होता है वो तांबा, जस्ता और शीशे के विकल्प के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम जो है इसका भी उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है और इस उद्योग को भी भारत में बहुत अच्छे तरीके से जो है बढ़ावा मिल रहा है। और इसके अगर विस्तार की हम बात करें तो देश में एल्युमिनियम प्रगलन जो है संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इत्यादि राज्यों में अवस्थित है। और इसका जो प्रगलन जो है वो बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है का प्रयोग किया जाता है। मतलब बॉक्साइट का यहाँ पे, और इसका जो यूज होता है वो नियमित ऊर्जा की पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल के सुनिश्चितता अवेलेबल करवाने के बाद जो है इसकी पूर्ति की जाती है। ये बेसिक बातें हैं। रसायन उद्योग की अगर बात करें, भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है और ये पूरे ग्लोबल लेवल पर फैल रहा है क्योंकि आज जो है वो कृषि से लेकर के हर एक जगहों पर रसायन की आवश्यकता पड़ती है। और अकार्बनिक रसायनों में जो होते हैं वो, इसको दो क्षेत्र में बांटा गया हुआ है रसायन उद्योग को, अकार्बनिक और कार्बनिक में। अकार्बनिक की अगर बात करें तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और उसके बाद जो है वो नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा, इन सारे चीज आते हैं। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो ये आता है आपके उर्वरक में, इसका यूज किया जाता है कृत्रिम वस्त्र बनाने में, प्लास्टिक, गोंद, रंग, रोगन, डाई इत्यादि बनाने में इसका यूज किया जाता है। साथ में अगर हम लोग देखें नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा, इस सारे चीज का प्रयोग किया जाता है कांच, साबुन, शोधक, अपमार्जक के रूप में, और कास्टिक सोडा इत्यादि, ये सारे जो है वो अकार्बनिक रसायन होते हैं। कार्बनिक रसायन की बात करें तो इसमें पेट्रोल रसायन शामिल होता है जो कृत्रिम वस्त्र बनाने में भी यूज किया जाता है, रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयां, औषधि रसायन इत्यादि को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है अकार्बनिक का। तो रसायन उद्योग भी हमारे यहाँ बिल्कुल टॉप लेवल पे है और इसके यूजेस जो है बहुत ज्यादा है। इसके बाद अगर हम लोग उर्वरक उद्योग की बात करें तो उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, मतलब कि यूरिया, फॉस्फेटिक उर्वरक डीएपी जिसको बोला जाता है, तथा अमोनिया फॉस्फेट और मिश्रित उर्वरक जिसमें तीन मुख्य पोषक तत्व तो नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास शामिल होता है, के उत्पादन क्षेत्र के इर्द गिर्द केंद्रित होता है। ये हमारे उर्वरक उद्योग है। उर्वरक उद्योग में मेन जो आता है वो यूरिया आता है, फॉस्फेट आता है और अमोनिया आता है। बाकी पोटास जो है उर्वरक उद्योग में ये हम बिल्कुल आयात करते हैं, हमारे यहाँ नहीं होता है ये। और इसके रूप में जो प्रयुक्त तो होने वाला पोटास या पोटेशियम यौगिक का भंडार हमारे यहाँ नहीं है, इस कारण से पोटास को हमको दूसरे जगह से जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है। ये चीजें हैं। अगर हम और बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र में 10 उपक्रम तथा भारतीय उर्वरक निगम FCI गुजरात के हजीरा में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत एक उपक्रम के रूप में कार्य करती है। और ये जो है
वो स्टोर करती है उर्वरक को और सस्ते दामों पर लोगों को प्रोवाइड करवाती है। अगर सीमेंट उद्योग की बात करें तो इस उद्योग को भारी तथा स्थूल कच्चे माल जैसे कि चूना पत्थर सिरका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। उसी जगह पे जो है वो आपके सीमेंट उद्योग स्थापित होते हैं। और इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है वो रेल परिवहन होता है, क्योंकि जब तक यहाँ पे रेल परिवहन और कोयला तथा विद्युत ऊर्जा नहीं होगी तब तक हम उस जगह पर सीमेंट उद्योग को नहीं लगा सकते हैं। बाकी अगर देखें तो पहला सीमेंट का उद्योग 1904 में मतलब 1904 में हुआ था, इसको आप प्री फैक्टर में जोड़ लीजिएगा, और ये चेन्नई में लगाया गया हुआ था। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेटा जिसमें आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं कि गुणवत्ता के सुधार के कारण भारत के बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशिया, पूर्वी मध्य अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया बाजारों में भारत के जो सीमेंट है उसकी मांग बहुत बड़ी है। मोटर गाड़ी उद्योग की बात अगर करें तो फिलहाल में ये बहुत डाउन जा रहा था, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद जो है इसकी स्थिति काफी ग्रो अप कर रही है, और उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों के कारण बाजार में जो है बहुत ज्यादा मांग बढ़ी, और विशेष करके कार और दोपहिया तीन पहिया वाहनों की अपार वृद्धि हुई। हर एक जगह पे आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो FDI है वो इसके जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको और ज्यादा ग्रो अप कर दी हुई है। इसके उद्योग की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है आपको ये आपके जो उद्योग है मोटर गाड़ी के उद्योग, ये आपको दिल्ली, गुड़गांव, पुणे, महाराष्ट्र, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर आदि आदि एरिया में आपको देखने को मिल जाएगी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी आज के समय के सबसे इम्पोर्टेंट उद्योगों में से एक रहा हुआ है, और इसमें आपके टेलीविजन का मैन्युफैक्चरिंग, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, फोन्स एक्सचेंज वगैरह ये सारे चीज इसी के अंदर आते हैं। और बेंगलुरु को भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जो है वो जाना जाता है, इसको आप प्री फैक्टर में जोड़ लीजिएगा। और इलेक्ट्रॉनिक सामान्य के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे और कलकत्ता है, जिस जगह पे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। मेन अगर बात करें हम लोग तो इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद, पुणे में रहा हुआ है, जहाँ पे इसका बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये इम्पोर्टेंट है। और अगर हम लोग अपने फैक्टर्स के ऊपर आएंगे तो भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने के पीछे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अहम भूमिका है, क्योंकि आप देखिएगा तो हर एक दिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। आज जो आपका फोन है वो किसी और एंड्रॉयड के वर्जन पे काम करता है और कल किसी और पे काम करेगा। आज आज जो है वो 4G फोन आए हैं, कल जो है वो 5G फोन आने स्टार्ट हो जाएंगे। इवन कुछ कंपनियां 5G फोन लाना जो है वो शुरू कर दी है, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर हम लोग देखें तो इन सारे चीजों के बाद एक चीज निकल करके आता है कि अगर हम इतने उद्योग लगाते हैं तो उद्योग के कारण प्रदूषण भी बढ़ेंगे, और इसके पीछे जो प्रदूषण होंगे वो बहुत अलग तरीके के होंगे, जो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण के रूप में हमारे ऊपर निकल करके आएंगे। तो इन सारे को हमें जो है वो एक बिल्कुल क्लियर वे में इसके ऊपर एक टर्म एंड कंडीशन लगाना पड़ेगा, तभी हम इसको क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज जो फैक्ट्रियाज है वो कुछ इस तरीके से स्टेबल होगी कि ना तो वो टैक्सेस देंगी, और टैक्सेस कम होने के बाद भी वो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर एकदम बैडली इफेक्ट पहुंचाएगी। तो इसलिए जो है इसके पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर भी इससे होने वाले जो हानियां हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो वायु प्रदूषण के ऊपर सबसे पहले आए तो अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति जो होगी वो वायु प्रदूषण का कारण बन करके आएगी। तो इसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है गवर्नमेंट को। साथ में जल प्रदूषण तब होते हैं जब फैक्ट्री से निकलने वाले जो प्रदूषण के कारक होते हैं उसको डायरेक्ट पानी में छोड़ दिया जाता है, तो वो जल प्रदूषण का कारण बन करके आता है। बाकी तापीय प्रदूषण जो होता है जब कारखानों का ताप घरों में गर्म जल को बिना ठंडा किए नदी और तालाबों में छोड़ दिया जाता है, तालाब में जो जो जीव होते हैं वो मर जाते हैं, और वो जो है वो अपना क्या करता है कि प्रदूषण का एक कारण बन करके आता है। तो मलबे का में ढेर सारे विशेष करके कांच और हानिकारक रसायन भी फेंके जाते हैं जो पैकेजिंग के रहते हैं, तो ये मृदा के उपजाऊपन को खत्म कर देता है और वर्षा जल के साथ प्रदूषक जमीन से भेजते हुए भूमिगत जल तक पहुंच कर इसे प्रदूषित कर देता है। तो इन सारे चीजों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। साथ में ध्वनि प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा कारण
कारण है, क्योंकि इसके कारण अक्षमता, साथ में जो है हृदय गति का रुक जाना, उच्च रक्तचाप का बढ़ना, ये सारे रीजन होते हैं। और इसमें जो जनरेटर वगैरह होते हैं उससे निकलने वाले जो आवाज है उसको कम करने की जरूरत है। बाकी पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम भी इसकी अहम, हमारे उद्योग लगाने के बाद इसकी अहम भूमिका होगी, क्योंकि कारखानों से निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित हो जाता है। तो इस कारण से पर्यावरण का निम्नीकरण हो जाएगा, तो इसके ऊपर भी ध्यान देने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। इस चैप्टर से हमें इन्हीं चीजों को जो है वो फोकस किया गया था, इन्हीं चीजों पे। तो इस चैप्टर से हम लोगों ने इन सारे इंपॉर्टेंट विनिर्माण उद्योग और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे उन सारे को डिस्कस किया। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जो क्लास 10th के ज्योग्राफी का होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, तो चैनल्स के वीडियोज को बिल्कुल शेयर कीजिए, और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब और ग्लोबल लेवल पर शेयर कीजिए, क्योंकि आज इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड।